हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति फिजिक्स लेक्चर। ये कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी का जो एमएससी फिजिक्स का एंट्रेंस एग्जाम हुआ था उसी का सॉल्यूशन मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। ये फोर्थ पार्ट है, 42 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। ये 8 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं अपलोड करने जा रही हूँ। तो क्वेश्चन क्या है, एटम का हीलियम एटम का मास गिवन था, वो 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटोन होता है। 6.65 × 10⁻²⁻²⁷ kg, वेलोसिटी है 5 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। आपको इसकी डी ब्रोगलिक वेवलेंथ निकालनी है। जब मैंने इसको सोल्व किया है, इट इज़ कमिंग आउट टू बी 2 × 10⁻¹⁴ मीटर। मास ऑफ हीलियम एटम 6.65 × 10⁻²⁻ kg, वेलोसिटी 5 × 10⁻¹⁶ मीटर पर सेकेंड। देखिए डी ब्रोगलिक वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है लैम्डा इक्वल टू एच बाई एम वी। एच है 6.62 × 10⁻³⁴, एम है 6.65 × 10⁻²⁻ वी है 5 × 10⁻⁶। जब मैं इसको सोल्व कर रही हूँ, इट इज़ कमिंग आउट टू बी 0.2 × 10⁻³⁻ और यू कैन से 2 × 10⁻⁴ मीटर। फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन था, दो पोलराइजिंग सीट्स थी, उनके पोलराइजिंग डायरेक्शन जो थी पैरेलल थी। सो दैट इंटेंसिटी, मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट इज मैक्सिमम थ्रू व्हाट एंगल, हमें इस सीट को कैसे रोटेट किया जाए। अगर ये हमारे पास दो पोलराइजिंग सीट्स हैं, ये पैरेलल हैं, इसका कह रहा है कि इनसे जो मैक्सिमम लाइट ट्रांसमिट हो रही है वो मैक्सिमम है। किस एंगल पे मैं इस सीट को रोटेट करूं कि हमारी इंटेंसिटी क्या हो जाए, आई से आई नोट थी जो ओरिजिनल बाय 2 हो जाए। एंगल बताना है। वी नो व्हेन पोलराइजिंग प्लेट है पोलराइजिंग डायरेक्शन इन पैरेलल, देन इंटेंसिटी इज आई इज इक्वल टू आई नोट कोस स्क्वायर थीटा। व्हेन इंटेंसिटी ऑफ बीम इज ट्रांसमिटेड, देन इट्स इंटेंसिटी ड्रॉप्स बाय हाफ ऑफ दैट। आई इज इक्वल टू आई नोट बाई टू, आई की वैल्यू रखिए आई नोट बाई टू, दैट इज इक्वल टू आई नोट कोस स्क्वायर थीटा। आई नोट से आई नोट कैंसिल आउट, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हाफ, और यू कैन से कोस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2। एंगल हमेशा आपका पॉजिटिव होगा, तो थीटा क्या है 45 डिग्री, या यहाँ पे माइनस भी ले सकते थे, लेकिन जो एंगल है वो 45 है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, जब म्यूचुअल इंटरेक्शन और ये दो पार्टिकल्स के बीच में क्या चेंज हो सकता है, काइनेटिक एनर्जी चेंज हो सकती है, लीनियर मोमेंटम, या दोनों ही नहीं। क्या है, इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो सकती है लेकिन लीनियर मोमेंटम चेंज नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ इज अनचेंज्ड जब व्हेन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मूव्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, तो क्या चेंज आएगा, क्या ऐसी चीज़ है जो चेंज नहीं होगी। देखिए क्वेश्चन अनचेंज्ड था, हो सकता है चेंज सोचकर कुछ बच्चों ने ये गलत किया होगा। अनचेंज्ड में क्या रहेगा, फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज। सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ट्रूली कोहेरेंट सोर्सेज आर दोज दैट एमिट वेव्स। कोहेरेंट सोर्सेज की क्या डेफिनेशन होती है, दो वेव्स हैं वो कोहेरेंट कब होंगी, जब उनकी वेवलेंथ सेम होगी और दोनों ही एक दूसरे के साथ कॉन्स्टेंट फेज डिफरेंस होगा या फेज में होंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर, ऑफ द सेम वेवलेंथ एंड इन फेज विद ईच अदर, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, 48th क्वेश्चन है, हमारे पास अननोन मटेरियल है और हमने उसका टेम्परेचर राइज किया है, तो उसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो ये मेटल होगा, सेमी कंडक्टर नॉट एन इंसुलेटर, सुपर कंडक्टर, या फिर सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर, फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर। इनका क्या होता है, नेगेटिव जो है कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस, यानी इनकी रेजिस्टिविटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, तो फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पढ़ के बड़ा लेंदी लग रहा था लेकिन बहुत ही सिंपल है। हमने जर्मेनियम है, उसकी इंट्रिंसिक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गिवन थी 1.4 × 10⁻¹⁶। अब जर्मेनियम की डोपिंग कर दी है इंप्योरिटी एटम्स की, वो आपकी होल की भी की जा सकती है और इलेक्ट्रॉन्स की, पी टाइप और सॉरी एन टाइप से आपको याद होगा, किस लिए, कंडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए। तो जो होल डेंसिटी, हम जब तक इसकी डोपिंग करते रहे जब तक होल डेंसिटी क्या हो गई, 8.5 × 10⁻²⁰ होल्स पर मीटर क्यूब, तो ये हमारा जर्मेनियम एन टाइप बन जाएगा या पी टाइप। देखिए होल की पता है, एन आई पता है, ये फॉर्मूला होता है Ne × Nh = Ni²। इस पर बेस्ड हो सकता है अभी भी जो आपके एग्जाम बचे उसमें भी क्वेश्चन आ सकता है। तो Ne आ रही है Ni²/Nh, Ni इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इंट्रेंसिक 1.4 × 10⁻¹⁶ होल स्केयर बाय 8.5 × 10⁻²⁰। जब मैंने इसको सोल्व किया है 1.4 होल स्केयर × 10⁻¹ⁱ बाई 8.5, दैट इज़ कमिंग आउट टू बी 2.3 × 10⁻¹² तो ये क्या है, Ne हमारी 10⁻¹² के ऑर्डर में, होल की ज़्यादा है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं एस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ होल्स इज मोर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सॉरी एज डेंसिटी ऑफ होल्स इज मोर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो इट इज़ पी टाइप। तो इसका आंसर होना चाहिए जर्मेनियम बार इज पी टाइप।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास हाईली रिलेटिविस्टिक प्रोटॉन है, उसकी टोटल एनर्जी गिवन है गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इसका मोमेंटम बताना था। देखिए मैंने अपनी तरफ से कैलकुलेशन से ही की है, एक बार आप भी कर सकते हैं। फॉर्मूला मैंने बताया है, मेरे हिसाब से ये 350 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर कूलम्ब पर सी आ रहा है। ये 100 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, सबसे पहले इसको जूल में चेंज कीजिए। 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 100 × 10⁻⁹, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मैं जूल में चेंज करूँगी 1.6 × 10⁻⁹ जूल, दैट इज़ इक्वल टू 160 × 10⁻¹⁰ जूल। ये फॉर्मूला होता है रिलेटिविस्टिक के लिए, ई स्केयर इज इक्वल टू बी स्केयर सी स्केयर प्लस एम नोट स्केयर सी फोर। यहाँ से पी की वैल्यू हो गई ई स्केयर माइनस एम नोट स्केयर सी फोर रेज टू पावर हाफ बाई सी। तो सी की टर्म्स में तो ये छोड़ा ही हुआ है, ई की वैल्यू थी 160 × 10⁻⁹ होल स्केयर, माइनस एम नोट था रेस्ट मास ऑफ प्रोटोन 1.67 × 10⁻²⁷ होल स्केयर, सी फोर है 3 × 10⁸ रेज टू पावर फोर, और होल पावर क्या है हाफ है। तो ये आंसर आ रहा है 350 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी। तो मेरे हिसाब से ये आंसर की थी, और जो है आप सबके लिए यूज़फुल रहे। कल भी जो है एग्ज़ाम होना है, और आपके जो बच्चे हुए हैं यूनिवर्सिटीज़ का, एक बार के का सॉल्यूशन आप ज़रूर रिवाइज़ करें। अच्छे क्वेश्चंस आए हुए थे, आपको इजी लग रहे थे, लेकिन जो है ऑप्शंस ऐसे थे। तो मैंने 50 के 50 कंप्लीट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन डाल दिया है। थैंक यू।